मुंबई इंडियंस की टीम इस बार अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी के लिए मैदान पर उतरेगी। टीम का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। मुंबई मौजूदा समय में आईपीएल की सबसे मजबूत टीम है। टीम में रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, किरण पोलार्ड जैसे कुछ पावरफुल हिटर्स हैं। तो वहीं टीम में किसी भी बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा देने वाले जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे तेज गेंदबाज भी हैं। बस टीम को इस बार जरूरत है तो सिर्फ एक क्वालिटी स्पिनर की। टीम में राहुल चाहर और कृणाल पंड्या ही स्पिनर हैं, पर पिछले सीजन में दोनों कुछ खास नहीं कर पाए थे। मुंबई लगातार दो खिताब जीतने वाली दूसरी टीम। 2019 में खिताब जीतने के बाद रोहित की टीम ने 2020 सीजन भी अपने नाम किया था। मुंबई लगातार दो बार 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब अपने नाम करने वाली दूसरी टीम है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में लगातार खिताब अपने नाम किया था। बैटिंग है मुंबई की मजबूती। मुंबई के पास रोहित और क्विंटन डिकॉक के रूप में विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी है। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार और ईशान मौजूद हैं। इन दोनों के बाद मुंबई के पास पंड्या ब्रदर्स हैं। वहीं हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 6 छक्के लगाने वाले वेस्टइंडीज टीम के कप्तान किरण पोलार्ड की मौजूदगी से टीम का बैटिंग लाइनअप काफी आक्रामक है। पोलार्ड ने 13वें सीजन में 191.42 के सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बनाए थे। बोल्ट और बुमराह का शानदार गेंदबाजी कॉम्बिनेशन। गेंदबाजी में टीम के पास सभी फॉर्मेट खेलने वाले तीन बेहतरीन गेंदबाज हैं। बुमराह पिछले सीजन में 27 विकेट लेकर किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय रहे थे। तो मुंबई ने इस बार ट्रेंट बोल्ट को 3,20,00,000 रुपए में खरीदा। बोल्ट ने 13वें सीजन में 25 विकेट लिए थे। इनके अलावा भी टीम के पास स्पीड स्टार एडम, मार्को जेनसन, नाथन कुल्टर-नाइल और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मौजूद हैं। इस बार कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पर मैच नहीं खेलेगी। ऐसे में टीम को क्वालिटी स्पिनर की कमी खल सकती है। हाल ही में हुई इंग्लैंड सीरीज में लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल की गेंद पर खूब चौके छक्के लगे थे। लेग स्पिनर राहुल चाहर के लिए पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था। ऐसे में टीम के पास ऑप्शन के लिए सिर्फ ऑफ स्पिनर जयंत यादव और लेग स्पिनर पीयूष चावला ही बचे हैं। अब कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई के सभी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बड़े हिटर्स हैं। उन्हें चेन्नई और बेंगलुरु के ग्राउंड में चेस करने में आसानी हो सकती है। वहीं पोलार्ड को बैट के साथ साथ पांचवे या छठे गेंदबाज का रोल भी निभाना होगा। पोलार्ड मुंबई के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उनके नाम 198 सिक्स हैं। वहीं रोहित मुंबई के लिए 213 सिक्स के साथ पहले नंबर पर हैं। ऐसे में अगर दूसरी टीमों को जीतना है तो उन्हें मुंबई से पार पाना ही होगा।